तो इस साल ऐसे क्या चेंजेस किए आपने जो पिछले सब सालों में नहीं किए थे, अगर मैं देखूँ तो? हाँ, इस साल तो ये था कि मतलब मेरे नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, ठीक है, हाँ जो मैंने बनाए थे खुद से, मैं वही पढ़ता था सिर्फ, क्योंकि मुझे पता था एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने बाकी कोई उस चीज़ उठा के ही नहीं देखी, मैंने अच्छा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी और अपने नोट्स पढ़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, मैंने आपको बताया था, नी हाई प्रेप वी की, टेस्ट सीरीज, राइट। हाँ, मतलब मैंने दो तीन अलग अलग टेस्ट सीरीज से टेस्ट दिया, एलएन की टेस्ट देता, हाँ है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ती है उसकी, राइट, यहाँ की टेस्ट सीरीज नी दी, प्रेप की आकाश की आपने। टेस्ट सीरीज दी मैंने, है ना, तो वही तब पता लग गया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, मतलब वो क्या करने लगे, दो तीन टॉपिक को लिंक करके क्वेश्चन पूछते थे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही वो आएगा, फिर मेरे को वो चीज़ समझ आई, तो फिर मेरा, अब मेरे इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आ रहे थे, जो फिजिक्स में, मॉक टेस्ट आप दे रहे हाँ थे, हाँ फिजिक्स में 150 155 आ रहे थे, बायो, अच्छा, हाँ तो अच्छे, इस बार 600 प्लस आ रहे थे टेस्टों में मार्क, तो राइट मुझे था कि आपके बार हो जाना चाहिए। राइट राइट। तो यानी आपने जब तैयारी शुरू की थी तब आप बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस पढ़ रहे थे, हाँ कोचिंग के मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा पढ़ हाँ रहे थे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हाँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस नहीं था। हाँ हाँ फाइनली अपने फिफ्थ अटेम्प्ट तक आते आते आपको समझ करेक्ट आ करेक्ट, गया कि एक हाँ तो मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है हाँ और एक मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस देने करना है, चाहे वो मैं खुद से करूँ चाहे मैं हाँ टेस्ट सीरीज टेस्ट ज्वाइन सीरीज, करके करूँ, हाँ तो वो मुझे एक चीज़ करनी है। तो आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो कुमार पाल के एक्सपीरियंस से ये चीज़ तो सीख सकते हैं जो उन्होंने फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके सीखी, कि एनसीईआरटी से आपको स्टिक रहना है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आने वाला उसके बाहर से। एंड सेकेंडली है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करना है। तो हम लोग कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं, कपिल सर आपसे कंटिन्यूअसली ये कहते हैं कि प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वो चाहे कोई भी सोर्स से करे, जो हमारे पास है वो सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, पास में कोई टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बस बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोज देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।